बलरामपुर में आदमखोर तेंदुए की घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को धर्मपुर गांव में 11 वर्षीय समीर का तेंदुए ने निवाला बनाया। ग्रामीणों की सूचना पर घंटों तक नहीं पहुंची वन विभाग टीम के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पहुंचे DFO ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत कराया। ग्रामीणों ने DFO से बरहवा रेंज के स्टाफ के खिलाफ शिकायत की। DFO ने ग्रामीणों को तेंदुए से बचाव उपाय बताए। 1 माह के भीतर वन्यजीव प्रभाग के बरहवा रेंज के तहत तेंदुए ने 4 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। प्रभागीय वनाधिकारी सोहेल व एम सोमारन ने लोगों को तेंदुए से बचाव का उपाय बताकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। बोलिए, हम प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि वन विभाग में कोई नियुक्ति नहीं हो रहा है। बूढ़ बुजुर्ग को वन विभाग में लगा दिया गया है, वो बेचारे कहाँ जाए, वो डंडा लेके टेकते हैं, क्या वो बाघ पकड़ने लायक हैं? कम से कम प्रशासन ये सुने, सरकार हमारी आवाज सुने कि कम से कम नए नौजवानों की नियुक्ति की जाए जो बाघ को पकड़ने लायक हो। जो बूढ़ बुजुर्ग को यहाँ लगा दिया जाता है वो बाघ पकड़ने लायक क्या है? कम से कम ऐसा व्यवस्था किया जाए कि जब वन विभाग में कोई कर्मचारी है ही नहीं, पूरी पूरी चौकी खाली है कि कम ये एक रेंज में 2 कर्मचारी या 3 कर्मचारी बिल्कुल बुजुर्ग तरीका से हैं। मैं राजकुमार यादव, पूर्व प्रधान धर्मपुर, मैं यहाँ के जनता की दुख दर्द समझता हूँ। अगर ये 50% लोगों के घर में पल्ला ही नहीं लगा है, अगर ये एक लकड़ी काटने जाए जंगल में तो पहले ये पकड़ जाएंगे। तो अगर जंगल सरकार की है तो बाघ भी तो सरकार की है। वो अगर हमें जंगल से जलोनी नहीं लाने देते तो अपना बाघ तो पकड़ लें, जो हम उनका बाघ हमें खा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।